नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना काल में लॉकडाउन से उपजी दुश्वारियों के बीच अपनी साइकिल से 1200 किलोमीटर सड़क का सीना चीरने वाली ज्योति आपको याद है ना? जी हाँ, उस ज्योति की कहानी अब 14000 किलोमीटर दूर अमेरिका तक पहुंच चुकी है, वो भी अमेरिका के व्हाइट हाउस तक। जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बेटी इवांका ट्रंप ने मिंट में छपी खबर को ट्वीट करते हुए ज्योति के साहस, धैर्य और संघर्ष की सराहना की है। पूरी कहानी आपको याद होगी, नहीं है तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिए। मजदूर कमाते हैं और रूम में रहते थे और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए तो यही लॉकडाउन बढ़ हो गया। मेरे पास खाने वाने के लिए पैसा वैसा नहीं था तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए, तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए, कोई कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए और कोई कोई खाना दे दिया तो वही खाते पीते आए। इस वीडियो में आपने देखा कि एक 15 साल की लड़की अपने चोटिल पिता को अपने साइकिल के पीछे बिठा करके कैसे संघर्ष कर रही है। इस गर्मी के दिन में भूखे प्यासे वो अपने पिता को खींचे जा रही है। जिस समय उसने गुरुग्राम से दरभंगा के सिरहुली के लिए अपनी ये यात्रा शुरू की थी, उसे भी नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। पहले तो उसके पिता इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे थे कि 14-15 साल की बेटी कैसे इतनी दूरी तय करेगी, लेकिन मजबूरी जो न करा दे। पिता तैयार हुए और वो बेटी 8 दिन बाद जब उस गाँव में पहुँची तो उसका स्वागत किया गया, उसकी चारों तरफ सराहना हुई। और इसी बीच ये खबर अमेरिका पहुंची, व्हाइट हाउस तक पहुंची, जहां अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं, और उनकी बेटी इवांका ट्रंप ने उसके संघर्ष को ट्वीट किया। उसके बाद से वो चर्चे में आ गई है। इसी बीच में ज्योति को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से ट्रायल के लिए बुलाया गया है और उसे एक कॉल आया था जिसमें साइकिलिंग फेडरेशन के चेयरमैन ओंकार सिंह ने उसे शाबाशी दी और कहा कि तुमने इतना संघर्ष किया है, 1200 किलोमीटर साइकिल चलाई है, लिहाजा हम तुम्हारा ट्रायल लेना चाहते हैं। तो वहाँ से एक उसको मौका मिला है। और जब उसकी संघर्ष की कहानी मीडिया में आई तो फिर कई संगठन और सामने आए, जिसमें पकटोला स्थित डॉक्टर गोविंद चंद्र मिश्रा एजुकेशनल फाउंडेशन ने भी ज्योति को निःशुल्क शिक्षा और उसके पिता मोहन पासवान को नौकरी का प्रस्ताव दिया है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।